नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया ई संबंधन पोर्टल। बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी अगले महीने। मार्च 2022 तक सभी बसों को किया जाएगा सीएनजी में कन्वर्ट। बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन फॉर्म BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर उपलब्ध है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर 9 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें, चयनित निर्धारित मानदंडों और नौकरी की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, चयन पर ड्यूटी में शामिल होने के लिए कोई TADA का भुगतान नहीं किया जाएगा। शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी अगले महीने। शिक्षक नियोजन के पहले चरण के काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगस्त के पहले सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिलों में सीटों की तुलना में आवेदन काफी अधिक है, वहां काउंसलिंग के लिए पारदर्शिता की भी सभी तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि जहां भी काउंसलिंग के दरमियान या काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कराए गए थे, वहीं बीते दिन सभी दस्तावेज वापस कर दिए गए हैं। मार्च 2022 तक सभी बसों को किया जाएगा सीएनजी में कन्वर्ट। बिहार में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बिहार के बसों में बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहारवासियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने वाला है, जिसके तहत ही अगले साल के मार्च महीने तक बिहार के सभी डीजल बसों को सीएनजी में तब्दील करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करके चलाया गया था। इसके सफल होने पर अब राजधानी की अलग अलग रूटों पर 50 नई बसों का परिचालन होने वाला है। इस नई बस में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी सुविधा होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि दूसरी लहर की तबाही के बाद अब बिहार समेत पूरा देश तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में अब पटना हाईकोर्ट ने भी तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सरकार से सवाल पूछा है, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने के लिए कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो, बीते दिन शिवानी कौशिक और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को भी कहा है कि राज्य में वैक्सीनेशन देने की क्या स्थिति है और साथ ही अभी राज्य में कोरोना के कितने पॉजिटिव मरीज हैं। बिहार में पर्यटन उद्योग को उबारने की कोशिश में जुटी सरकार। कोरोना के कारण आम जनजीवन के साथ साथ पर्यटन उद्योग भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके तहत अब बिहार में पर्यटन उद्योग को उबारने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर केंद्रीय पर्यटन विभाग इस कोशिश में है कि नए और पुराने स्थल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को पुनर्जीवित किया जाए। इसको लेकर टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार की टूरिज्म इंडस्ट्री कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी है। नवम्बर दिसम्बर में कुछ दिनों के लिए पर्यटन स्थल खोले गए थे, लेकिन एक बार फिर से अप्रैल महीने से तमाम पर्यटन स्थल बंद है। अगले कुछ महीने तक इनके खुलने की संभावना कम नजर आ रही है। बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून की गतिविधियां कम हो गई हैं, जिसके कारण गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसमविदों की माने तो अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं आंशिक बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में मॉनसून काफी सक्रिय था। इस दौरान पटना समेत राज्य भर में बारिश देखने को मिली, जिससे किसानों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन अब एक बार फिर से सूबे में गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। अब जुलाई के अंत में सूबे में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी, जब एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर विकसित होगा। इससे मॉनसून को मौसमी सिस्टम का सपोर्ट मिलने के आसार हैं। खास
महल जमीन की शुरू हुई जांच। खास महल की जमीन नागरिकों को आवासीय उपयोग के लिए बंदोबस्त की गई थी, लेकिन उस जमीन को लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, जिसके तहत सरकारी जमीन के मालिक जमीन लेने वाले लीज धारक बन गए हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सरकार की नींद खुल गई है, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के बाद पटना में सर्वेक्षण के आदेश के साथ ही बंदोबस्तधारी की तरफ से बिक्री और व्यावसायिक उपयोग की पोल खुल गई है। आपको बता दें, बिहार में 12 जिलों में खास महल जमीन मौजूद है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पटना में खास महल की जमीन की जाँच फिलहाल चल रही है। विधानसभा में विधायकों की पिटाई पर लिया गया बड़ा एक्शन। विधानसभा में विधायकों की पिटाई का मामला विपक्ष जब तब उठाता रहा है। वहीं कुछ दिन पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि विपक्षी दलों की मांग है कि जिन्होंने भी विधानसभा में उनके साथ गलत व्यवहार किया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहीं अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए विपक्षी विधायकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनका वीडियो पिटाई करने के दौरान सामने आया था। वहीं इसको लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जिसने जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया, वैसे अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया ई संबंधन पोर्टल। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ऑनलाइन पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्वीकृति और NOC के लिए पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन द्वारा निजी स्कूल में 25% गरीब बच्चों के नामांकन की भी जानकारी इस पोर्टल से ले सकते हैं। इस पोर्टल के आ जाने से अब शिक्षा विभाग निजी स्कूल को आवेदन की सारी जानकारी पोर्टल के माध्यम से देगा। इसके साथ ही अब विभाग के अधिकारी 15 दिन से ज्यादा स्कूल के फाइल को नहीं रोक सकेंगे। इतना ही नहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर समाधान के लिए मोबाइल नंबर 7004070073 या फिर 7396000010 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैलांचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से की थी। इसके साथ ही वहां पर इनका परिवार भी रहता था। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक जीवन की बात करें तो मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू, बाबू रोड, कथा संग्रह समेत कई किताबों का लेखन किया है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया की तारीख जारी। बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसको लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत 105 कोर्सेज में नामांकन लेने की तैयारी हो रही है। नामांकन में लड़कियों को फीस में विशेष छूट भी दी जाएगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर RK वर्मा ने बताया कि हमारी यह कोशिश है कि छात्रों को नामांकन के समय ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, साथ ही साथ परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी जाए। कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा लेने की कोशिश है। उद्योग विभाग ने तैयार की गैर कृषि उत्पाद के लिए ब्लूप्रिंट। प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसको लेकर उद्योग विभाग की तरफ से बनाए गए ब्लूप्रिंट के मद्देनजर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला संवर्धन समिति का गठन करने का काम किया गया। कार्य योजना के मुताबिक गैर कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर अमल किया जाना है। इसको लेकर खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने जिलों के उद्योग महाप्रबंधकों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया है। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने साफ कर दिया है कि एक्सपोर्ट हब और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दो अलग अलग विषय हैं। भवन निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए उड़न दस्तों का हुआ गठन। भवन निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 4-4 उड़न दस्तों को लगाने का काम किया जाएगा। जानकारों की माने तो इन उड़न दस्तों को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है, जिसकी मदद से अब औचक निरीक्षण करने का काम आसानी से किया जा सकेगा, जिसके बाद जांच में यह देखा जाएगा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता में कोई समझौता तो नहीं हो रहा है या फिर निर्माण में विलम्ब की आशंका तो नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग राज्य में लगभग दर्जन भर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनकी लागत करोड़ों में है।
बंगाल छत्तीसगढ़ से बस के जरिए जुड़ेंगे बिहार के छोटे शहर। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बस सेवा से बिहार के छोटे शहर अब जुड़ने वाले हैं। परिवहन विभाग जल्द ही इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाले 2.5 दर्जन से अधिक रूटों को लेकर स्थायी परमिट जारी करेगा। पटना के अलावा राजगीर, गया, छपरा, सहरसा से हावड़ा और सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और वर्धमान जैसे शहरों के लिए बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। परिवहन विभाग ने बिहार से पश्चिम बंगाल और बिहार से छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंतरराज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट की स्वीकृति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे थे, जिसके बाद 28 जुलाई को बिहार से पश्चिम बंगाल और 29 जुलाई को बिहार से छत्तीसगढ़ राज्य के रूटों की बसों को परमिट देने पर मुहर लगेगी। बिहार में प्रमुख योजनाओं का आउटकम ऑडिट करेगा एजी। एजी के स्तर से हर साल पेश होने वाली वित्तीय, वाणिज्य, कर और अकाउंट से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट के साथ अब एक आउटकम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिसके तहत ही अब बिहार में चलने वाली सभी प्रमुख योजनाओं का आउटकम ऑडिट किया जाएगा। इसको लेकर महालेखागार ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि अगले साल पेश होने वाली रिपोर्ट के साथ ही यह रिपोर्ट अलग से पेश की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही योजनावार आंकड़ों को जुटाने और वर्तमान में क्या परिणाम निकल कराएगा इसकी विस्तृत जानकारी सामने पेश की जाएगी। इस विशेष रिपोर्ट में हर क्षेत्र से जुड़ी तमाम प्रमुख योजनाओं का क्या असर समाज पर पड़ा और किस तबके के लोगों को क्या फायदा हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी होगी। योजना के तहत 55 बच्चों को भेजा गया अहमदाबाद। बिहार सरकार ने बिहार के वैसे बच्चे जिन्हें जन्मजात दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी है, उनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसके तहत ही ऐसे बच्चों की मदद के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 3 फेज में अहमदाबाद के श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में ऑपरेशन के लिए कुल मिलाकर 55 बच्चों को भेजा गया है। पहले बैच में 21, दूसरे बैच में 16 और तीसरे बैच में 18 बच्चों को भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि IJMS, IGIC और एम्स में बाल हृदय रोग का इलाज शुरू हो चुका है। आने वाले समय में IJMS और IGIC में दिल में छेद वाले बच्चों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। योजनाओं को लेकर मंत्री नीरज कुमार ने दिया बयान। राजद के 25 साल पूरे होने के शुभ उपलक्ष्य पर जहां एक तरफ पार्टी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने 25 सवालों का सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन अपना 17वां सवाल जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में नीतीश सरकार ने तरक्की और विकास की कई नई कहानियां लिखी, जिसे देश के कई राज्यों ने फॉलो किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ योजनाओं को तो विश्व स्तर पर ख्याति मिली है। क्या राज्य सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी योजना बता सकती है जिसे देश के किसी दूसरे प्रदेश या केंद्र सरकार ने दोहराया हो या अपनाया हो? चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लोजपा में टूट के बाद जमुई सांसद चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा में जुटे हैं, जिसके तहत ही वो बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के माहौल में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही लोगों की जान गई। दिल्ली जैसे शहर में रात रात को फोन आते रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके के नेता इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सरकार की सोची समझी चाल है। दूसरी तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि उन्होंने महंगाई को लेकर अब तक कुछ नहीं सोचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लिए आखिरी बार कब सोचा था, यह हमें तो याद नहीं है। रोहतास यात्रा से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के खिलाफ साजिश की कही बात। बिहार जदयू के दिग्गज नेता और पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पार्टी के खिलाफ बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के दौरान जदयू के खिलाफ साजिश की गई थी। हालांकि उन्होंने साजिश क्यों की गई और किसने की, इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के इस तरीके के बयान के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। वहीं अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कहने पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में 5 सालों तक एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली है। सरकार के बीच सभी दलों के सामंजस्य में कोई कमी नहीं है। नीतीश सरकार के मंत्री ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। इन दिनों बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जदयू पर आए दिन सवालिया हमला करते रहते हैं, वहीं अब जदयू की तरफ से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमीर कुमार सिंह ने निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जनता की जो सेवा करेगा उसको आशीर्वाद मिलता है। ये लोग हवाबाज है, पत्र लिखकर राजनीति करने वाले ये लोग हैं। ये सांसद अपनी बदौलत नहीं बने हैं, बल्कि ये तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश की देन है। नहीं तो ये लोग पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते थे। इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है।
नियोजन प्रक्रिया में पुरुषों को लेकर राजद ने उठाया आवाज। राजद ने प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बीते दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्थानांतरण प्रक्रिया अव्यवहारिक है और इससे विशेष रूप से पुरुष शिक्षकों को काफी तकलीफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की नई सेवा नियमावली में महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया गया है, जबकि पुरुष शिक्षकों को सिर्फ म्यूचुअल स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। पुरुष शिक्षकों की म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया इतनी अव्यवहारिक है कि इसका लाभ शायद ही किसी को मिल सके। यह मामला पुरुष शिक्षकों में अवसाद का एक कारण बन रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं 23 जुलाई 1555 में दिल्ली पहुंचा। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई से हुई। मेघावती सुक्रोन पुत्री 2001 में इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन 2012 को आज के दिन हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पार्थिव पटेल ने टीम से बाहर होने के कारण का किया खुलासा। भारतीय टीम के खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने कई बार भारतीय टीम की तरफ से खेलने का काम किया है, हालांकि वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जिसके बाद साल 2004 में उन्हें टीम ने ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इसका कारण महेंद्र सिंह धोनी को माना था। हालांकि अब पार्थिव ने खुद ही इस मुद्दे को लेकर खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनलकी था। मुझे धोनी से पहले टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला था। मुझे टीम से इसीलिए ड्रॉप किया गया था क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जिसके बाद एमएस धोनी टीम में आ गए। व्हाट्सएप में आया कमाल का फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने सभी यूजर के लिए व्यू वंस फीचर को रोल किया है, जिसको कि अभी बीटा यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन यूजर के लिए रिलीज किए गए इस फीचर को इनेबल करने के बाद भेजे जाने वाले फोटो वीडियो देखे जाने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। फीचर की एक और खास बात यह है कि इस फीचर के साथ भेजे जाने वाला फोटो वीडियो ओपन ना होने पर 14 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। कंपनी ने इस फीचर का नाम एक्सपायर्ड व्यू वंस रखा है। कंपनी आने वाले दिनों में अपडेट रोल आउट करके इसे हाईलाइट कर सकती है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,450 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,450 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 66,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.05 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.26 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, नदेश कुमार, मिथिलेश कुमार, पूजा कुमारी, अमरजीत कुमार, केदार कुमार, कुणाल आनंद, भीम कुमार, रंजीत कुमार, प्रिया सिंह, दीपक कुमार, प्रेम कुमार, गौतम पंडित, राहुल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच आज खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले में किस टीम के जीतने की संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।